अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर वाफियत के साथ रखे, हंसता खेलता खुशबाश रखे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके गांव में, आपके शहर में मौसम कैसा है? हमारे गांव का तो मौसम आप देख ही रहे होंगे, कितना प्यारा, कितना सुहाना और कितना ठंडा ठंडा मौसम है। बहुत प्यारा मौसम है। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। चिरिंद परिंद हर चीज़ गर्मी से बेहाल थी, और गर्मी से इतने बुरे हालात थे कि एक दो जगह हमारे गांव में आग लगी, और वो आग इतनी ज़्यादा लगी कि सारे का सारा जंगल, जो लकड़ियाँ थी वहाँ पे चिरिंद परिंद, छोटे छोटे बच्चे उनके परिंदों पे, सब कुछ जल गया। क्या पता किसी ने जानबूझ के आग लगाई है या किसी से लग गई है, लेकिन उस आग पे कोई काबू नहीं पा सका, ना किसी ने वो आग बुझाने की कोशिश की, तो इस वजह से बहुत कुछ जल गया वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश हुई है, सुबह के टाइम भी बारिश हुई है, फिर दिन को भी बारिश हुई है। एक दो दिन पहले बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था। अभी भी शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं, और यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम होया हुआ है, हर तरफ बादल आए हुए हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अभी भी बारिश हो जाएगी, क्योंकि हमारा गांव इस्लामाबाद से भी तकरीबन 1 घंटा दूर है, और हमारे गांव में इतनी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस्लामाबाद तो फिर इस्लामाबाद है, लेकिन गांव वाली साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे असद अपने काम शाम कर रहा है, हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ है। एक मैं वेली, जो मैं छत पे आके वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा चलो और कुछ नहीं, मैं एक छोटी सी वीडियो ही बना लूँ, और यहाँ पे मैं आई हूँ छत पे। छत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ है। क्या लगा प्यां? असद लेके आया एक छोटा सा कुत्ता, कोई पता नहीं कौन सी नस्ल का, बता रहा था दिन को। और मज़े की बात, वो कुत्ता खाता क्या है? सीरीलैक। उसकी कोई और खुराक नहीं है, हमें तो नहीं पता था वो सीरीलैक खाता है। और क्या हुआ कि वो कल ही लेके आया, आज हम लोगों ने रात को भी असद ने उसको दूध पिला दिया, सुबह भी दूध पिलाया, दिन को भी दूध पिलाया, और दिन के टाइम उसका पेट ख़राब हो चुका। फिर असद गया, यहाँ से शहर थोड़ा दूर है, थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो असद गया वहाँ पे, जाके उसके लिए लेके आया सीरीलैक लेके आया, तब उसको खिलाया। फिर उसको असद ने पत्ती खिलाई, जो कच्ची पत्ती हम लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं, वो पत्ती खिलाई। उसके अलावा फिर उसको शक्कर खिलाई, तब जाके अभी उसका थोड़ा बहुत पेट ठीक है। तो अभी अम्मी ने कहा वो जो खुराक खा रहा है वो ही खाए। अभी वहाँ पे आपने देखा भी होगा, अब्बू के पास एक छोटा सा वाइट कलर का बच्चा सा घूम रहा था, तो वो वाला है, बहुत बहुत क्यूट है। और हमारे सारे कबूतर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे हम लोग घूम रहे होते हैं, ये डर जाते हैं, और यहाँ पे ये छत पे सारे बैठ रहे हैं। ये वाला जो छत है ये कच्चे हैं छत, और ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे छोटे छोटे कंकर मट्टी ये चीज़ें खाते हैं। और हमारे उधर साइड पे थोड़ा सा वो खाका सा पड़ा हुआ है, बजरी सी, ये वहाँ से बजरी खाते हैं। इनका मैदा वो इतना हीट अप होता है कि कबूतरों का गोश्त अक्सर लोग लकवे में या इस तरह के, जिन लोगों को सर्दी लग जाती है या सर्दी से बुखार हो जाता है, उन लोगों के लिए कबूतरों का गोश्त बिल्कुल बेस्ट रहता है, क्योंकि इनके मैदे में इतनी हीट होती है कि ये छोटी छोटी जो बजरी होती है इतनी, या फिर ये लोग जो कंकर वगैरह खाते हैं वो चीज़ें भी पिघल जाती हैं, गल जाती हैं इनके मैदे में। तो यहाँ पे बड़ा सख्त बादल आ गया। अभी मैं नीचे जाऊँगी और मैंने जाके शाम का खाना बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही दिन को जैसे ही बारिश हुई फिर लाइट चली गई थी, तकरीबन 3-4 घंटों के बाद लाइट आई है, अभी थोड़ी देर पहले आई है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। हम लोग तो कुत्ता लेके आए हैं, इनकी कुत्ती ने दी हुए हैं बच्चे 4-5, एक वो घूम रहा है, कुछ लोग ले गए हैं उठा के।
हम लोगों के साथ ये बोलते नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इनसे लेने भी नहीं थे, सब फिर अपने किसी दोस्त से लेके आया है। इसने उसको बोला हुआ था, फिर ये कल गया पिंडी और वहाँ से जाके लेके आया। ये हमारे घर की पिछली साइड, ये इतनी छोटी दीवार है कि यहाँ से बंदा आसानी से ऊपर आ सकता है। हमने असद को कहा कि कुत्ते को ना छत पे तुम छोड़ दो, कहता है नहीं, ये जो सफील है यहाँ से बंदा आसानी से ऊपर आ सकता है, तो इसको कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। मम्मी कहती है खैर कुछ नहीं होता, कौन लेके जाएगा तुम्हारे इस कुत्ते को। कहता है नहीं नहीं ये बड़ा नस्ली कुत्ता है, तो पहले भी ऐसा एक लेके आया था लेकिन वो बीमार हो चुका था, उसके पेट में कीड़े थे। इसने क्या किया, इतनी सी वो बोतल मिलती है इतनी सी दवाई वाली, इसने क्या किया वो पूरी बोतल इसने उसको पिला दी। लेकिन पूरी बोतल नहीं पिलानी चाहिए थी, वो छोटा सा बच्चा था, तो वो सुबह पिलाई और तकरीबन शाम तक वो मर गई बेचारी। तो अभी कहता है इसको कोई मेडिसिन नहीं देनी, जब उसका पेट ख़राब हुआ अम्मी कहती हैं इसको ना वो जो बच्चों का सीरप होता है वो इसको पिलाओ ला के। कहते हैं अम्मी इसको कोई मेडिसिन नहीं देनी, कोई घरेलू टोटका बताएं। अम्मी कहती है चलो ठीक है, फिर तुम ना शक्कर खिलाओ इसको, क्योंकि अक्सर बकरियों के बच्चे जब बीमार होते हैं या फिर इस तरह हमारी कोई बकरी बीमार होती है, गाय का बच्चा, तो हम लोग उसको शक्कर खिलाते हैं, उनका मैदा ठीक हो जाता है। तो अम्मी कहती हैं या इसको शक्कर खिलाओ, तो या फिर ऐसा करो इसको ना तुम पत्ती खिलाओ। पत्ती से भी इंसानों के पेट में जिसमें अगर तो वो मरोड़ से पड़ रहे होते हैं या किसी का पेट ख़राब हो तो उसको खिलाएं पत्ती वगैरह तो वो ठीक हो जाता है। तो इस वजह से फिर असद ने उसको पत्ती भी खिलाई और शक्कर भी खिलाई, जिससे उसका पेट तकरीबन एक दो घंटे बाद ठीक हो चुका था। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ मैं नीचे चली जाऊँ, लेकिन मौसम इतना मज़े का है ना, बर्तन बेच रहा है ₹30 ₹30 ₹30 हर माल हर चीज़ ₹30 ₹30 ₹30 बिक रही है। गांव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अक्सर बिकती हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे चली जाऊँ, लेकिन जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इतना प्यारा इतना हसीन मौसम है कि दिल करता है बंदा ना जाए। लेकिन बारिश भी आने वाली है और मैंने नीचे जाना है, जाके खाना बनाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं चलती हूँ अभी नीचे, अल्लाह हाफिज़।